फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। हम आज बनाएंगे कड़ी गोश्त। हमने धनिया ली हुई है, लेमन लिया है, चार टमाटर ली हुई है, हरी मिर्च ली है, अदरक और दही। आपको जितना लेना चाहिए आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर पानी में गोश्त डाल दिया है, अभी इसे हम छोड़ देंगे गलने के लिए, अच्छी तरीके से गल जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका पानी खुश हो गया है। हमने हरी प्याज ली हुई है, अब यहाँ पर हम डालेंगे घी। आपके पास जो हो सकेगा आप वो कर सकते हैं और घी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने असली घी शामिल किया हुआ है। अभी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अभी हम डालेंगे प्याज। अच्छी तरीके से पकारी प्याज हम ऐड कर देंगे और ये ज़रूर रेसिपी आप लोगों को ट्राई करनी है और हमें बतानी है गोश्त कड़ी कैसी बनी है। आप लोग कमेंट में बताइए आपको की गोश्त कड़ी कैसी बनी थी, और हम आपके पास ऐसी सारी वीडियो लाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चैलेंज की भी हमारे पास बहुत सारी वीडियो है, हम जल्दी अपलोड कर देंगे। अभी मेरे सिस के एग्ज़ाम चल रहे, इसीलिए हमें इतना टाइम नहीं मिल रहा है। हम बस शेयर करें वीडियो देखने के लिए, इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी देखने के लिए। यहाँ पर हम एक हरी मिर्च काट कर डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं आप लोग, और हमने कहा आपसे थोड़ी सी बातें भी हो जाए। हमारे सिस के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ करें कि पास हो जाए इस एग्ज़ाम में। और ऐसी सारी बातें होती रहेंगी और हमारी रेसिपीज़ को आगे देखती रहेंगे। आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए हमारी रेसिपीज़ को। नमक अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, नमक सारा मसाले में ऐड कर देंगे नमक। और आप लोग हमें बता सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारी कौन सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे अच्छी तरीके से, पहले हम इसे मिक्स करेंगे, फिर हम आगे इसमें और कुछ मसाले ऐड कर देंगे। और हमारे बहन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप ज़रूर दुआ कीजिए उसके लिए, इंशाल्लाह वो पास हो जाए इंशाल्लाह। और आप लोग की ईद की तैयारी कैसी जा रही है? और इसी तरीके से हम बाकी भी मसाले इसमें शामिल कर देंगे, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे और फिर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे सब मसाले ऐड हो चुके हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो चलिए आप लोग के साथ कुछ बातें करते हैं ईद के हवाले से। तो आप लोग की ईद की तैयारी कैसी चल रही है, हो गई है या बाकी है, जहाँ आप लोग और कर रहे हैं? हमारी ईद की तैयारी हो चुकी है और ये रेसिपी मैं ख़ास ईद के लिए लेकर आई हूँ। ईद स्पेशल रेसिपी है कड़ी गोश्त, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी है। होप कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पर हम टमाटर काट रहे हैं और साथ ही हम इसमें ये टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे गलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक टमाटर नहीं गल जाएंगे ये, तब तक के लिए हमारा कौरमा रेडी नहीं होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ईद के बाद आप लोग के लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी मेरे चैनल में, आप लोग को अच्छी भी लगेंगी। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेंगी मेरी। और ये जो टमाटर और साथ ही हम इसमें लेमन का रस शामिल कर देंगे, और ये आप देख सकते हैं ये कितना रसीला लेमन है। बहुत सारे ऐसे लेमन होते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा रस नहीं होती, मगर इसमें बहुत ज़्यादा थी। तो ये गोश्त कड़ी बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और साथ ही हम इसमें ग्रीन चिल्ली इस तरीके से कट कर ऐड कर देंगे, और ये यहाँ पर हमारा और साथ ही हम इसमें मुट्ठी भर धनिया शामिल कर देंगे, और अदरक जो हमने लंबे पीसों में काटी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, अदरक के टुकड़े ये, और अब इनसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर हमारा ये कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और फिर हम इसे गोश्त में ऐड कर देंगे, जिस गोश्त को हमने बॉईल करने के लिए रखा था।
और यहाँ पर हमारा गोश्त बिल्कुल बॉयल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल गल हो चुका है। और अब हम इसमें कौरमा शामिल कर देंगे, और कौरमा शामिल करने के बाद हम इसे कुछ मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे, एक कप के बराबर हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। और फिर हम इसमें धनिया और जो हमने अदरक काटी थी वो शामिल कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारा हमारी कड़ी गोश्त बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो बड़ी ईद आती है तो हर किसी के घर में गोश्त मौजूद होता है, आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ईद आए और घर में गोश्त ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कड़ी गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े की यहाँ पर ये लग रही है कड़ी गोश्त, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।